गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें सबसे पहले हम एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहले एक्टिविटी में हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले दो पीस क्लॉथ लेने हैं जो कि सेम साइज और सेम थिकनेस के होना चाहिए, लेकिन एक नेचुरल फाइबर से बना हुआ चाहिए और दूसरा सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ होना चाहिए। अब हमें वो जो पीस है, जो क्लॉथ के जो पीस है, उन्हें अलग अलग मग में डालना है और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है। अब उसमें पानी डालने के बाद हमें 5 मिनट के बाद उन दोनों क्लॉथ के पीसेस को निकालने हैं और उसके बाद सनलाइट में उन्हें रखना है थोड़ी देर। अब हम जितना पानी उन दोनों मग में रह गया है उन्हें कंपेयर करेंगे। कौन सा जो पीस है वो कम वाटर सोखा, नेचुरल फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर, कौन सा उसमें से कम टाइम लिया, कौन सा क्लॉथ ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए कौन सा क्लॉथ कम टाइम लिया। और इसी एक्टिविटी के बेसिस पे आप दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं सिंथेटिक फाइबर के। आप अपने पेरेंट्स से जानने की कोशिश कीजिए सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर का ड्यूरेबिलिटी, मतलब वो कितने टाइम तक चलता है, कॉस्ट, स्ट्रेंथ और मेंटेनेंस, और उन दोनों को कंपेयर कीजिए। तो बच्चों, उन दो क्वेश्चंस के आंसर है, नेचुरल फाइबर ज़्यादा पानी सोखता है और सिंथेटिक फाइबर कम टाइम लेता है सूखने में। वैसे आप सभी प्लास्टिक आइटम से फैमिलियर होंगे क्योंकि हम उन्हें अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आपको इस टेबल में उनके लिस्ट बनाने हैं और इसी टेबल में उन्हें लिखना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है नेम ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स, तो उधर आप नेम लिखेंगे प्लास्टिक आर्टिकल्स के, जैसे कि कोई कंटेनर है, कॉम्ब है, और यूजेस में उनके यूजेस लिखेंगे, जैसे कि कॉम्ब को हम हेयर कॉम्ब करने के लिए यूज़ करते हैं। प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर ही है जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स होता है, लेकिन सभी प्लास्टिक जो होते हैं उनमें सेम टाइप के अरेंजमेंट नहीं होते यूनिट्स के। वैसे पॉलीमर क्या था, हमने पढ़ा था कि पॉलीमर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को मिलाकर बनते हैं, वैसे ही, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि सभी प्लास्टिक जो होते हैं उसमें सेम टाइप के अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं यूनिट्स के। किसी में वो लाइनियर होता है, किसी में वो क्रॉस लिंक्ड होता है, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है ए और बी में, जैसे कि पहले फिगर में दिया हुआ है ए में कि वो लीनियर है, एक चेन टाइप बना हुआ है, लेकिन बी में दिया हुआ है वो क्रॉस लिंक्ड है, मतलब कि वो एक दूसरे से लिंक्ड है। प्लास्टिक आइटम्स जो होते हैं वो सारे शेप्स में और साइज में मिलते हैं क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है बहुत ईजी, मतलब कि उसे कोई भी शेप